हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ आलू और पालक की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये रेसिपी जितनी दिखने में सुंदर दिख रही है, वैसे खाने में भी टेस्टी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी करूँगी। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर उबला हुआ पालक लिया है। एक बंच पालक का मैंने उबाल के ठंडा करके रखा है। पालक बॉईल करने के बाद आप डायरेक्टली उसे ठंडे पानी में या आइस कुक वाले पानी में रखें, ताकि उसका कलर वैसे ही ग्रीन रहता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा हरा धनिया लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे यूज़ की है, और यहाँ पे मैंने रोस्टेड पीनट्स लिए हैं जिसके छिलके निकाल के मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। पीनट्स की जगह आप काजू और बादाम का भी पेस्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पेस्ट यहाँ पे रेडी है, एकदम फाइन एंड स्मूथ टेक्सचर आया है, और पीनट्स की वजह से एकदम क्रीमी टेक्सचर हमारी पेस्ट को आया है। तो अभी पेस्ट को साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही दम आलू वाले आलू उबाल के उनके छिलके निकाल के रखे हैं। अब इसे हम थोड़ा सा शालू फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने तेल गर्म करके रखा है, तो अब इसमें हम लोग आलू डाल देते हैं और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर देते हैं। आलू हमारे पहले से उबले हैं, तो इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, बढ़िया सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। आलू यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए, तो मैं यहाँ पे इसे निकाल लेती हूँ और सेम कढ़ाई में आगे की प्रोसेस के लिए यूज़ करूँगी। उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल रखा है, इसमें ही हम लोग तड़का लगाएंगे। तेल में अभी तेज पत्ता डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 3 छोटे तेज पत्ता लिए हैं और 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा फूलने के बाद हम लोग यहाँ पे हल्दी डालेंगे। गैस फ्लेम थोड़ा स्लो ही रखना है। बाद में 1 बड़ा चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे। 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। गैस फ्लेम एकदम स्लो ही रखना है, ताकि मसाले हमारे जले ना। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को भी फ्राई करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अभी डायरेक्टली हमारे फ्राई किए पोटैटोस डालेंगे इसमें, और 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे मसालों में। मसालों की बहुत ही बढ़िया यहाँ पर खुशबू आ रही है। अब मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसे भी तेल में फ्राई कर लूँगी। आपने इस तरह की रेसिपी कभी ट्राई की नहीं होगी, बट इस बार आप ज़रूर ट्राई करें। अभी नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। आलू में नमक अच्छे से कोट हो जाएगा, तो आलू का टेस्ट भी फीका नहीं लगेगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आलू हमारे अच्छे से सॉटे हो गए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की पेस्ट की। अभी यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया है वो डाल देते हैं और इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी कैसे एकदम स्मूथ बनी है। सिंगदाने का जो पेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, उससे बहुत ही बढ़िया अच्छा टेक्स्चर आया है और एक क्रिस्पनेस आई है हमारी ग्रेवी में। अगर आप इस सब्जी को जीरा राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं, तो आप इसमें पानी डाल के थोड़ी ग्रेवी कर लें। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी पसंद है, तो इसमें आप पानी ना डालें, वरना पानी की क्वांटिटी आप एडजस्ट कर लें। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे, थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम लिया है। फ्रेश क्रीम से बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर एंड स्मूथनेस आता है, और ग्रेवी हमारी क्रीमी बन जाती है। आप देख सकते हैं कितनी सुपर डिलीशियस हमारी ये सब्जी लग रही है। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में। यहाँ पे हमारी सुपर डिलीशियस डिश रेडी है, एकदम होटल स्टाइल ये डिश लग रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे ये डिश रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे 2 बड़े बटर के क्यूब्स लिए, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बटर से बहुत ही बढ़िया बटरली टेस्ट आता है आपको अगर बटर। 2 मिनट के लिए इसे फिर से शिमर होने देते हैं। ग्रेवी यहाँ पे अच्छे से शिमर हो गई है। अभी गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिला देते हैं। वाह, कितनी यहाँ पे सुपर डिलीशियस हमारी डिश रेडी हो गई है, दिखने में बहुत ही अच्छी है। तो इसे सर्व करते हैं। मैं अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। आप इस सब्जी को किसी भी नान, रोटी, चपाती या किसी भी टाइप के पुलाव के साथ या जीरा राइस के साथ खा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी नई तरीके की आलू और पालक की सुपर डिलीशियस रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।